हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोली पॉइंट। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे दुखों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री का रास्ता देख लिया हो, क्योंकि हर रोज किसी ना किसी लैंडर स्टार के बारे दुखी और अफसोस से भरी खबरें सामने आ रही हैं। इस तरह आज बॉलीवुड के स्टार जिया बच्चन के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिया बच्चन जो कि हर मामले पर अपनी स्टेटमेंट देती हैं, मगर आर्यन खान के मामले पर जिया बच्चन का कोई बयान सामने ना आया। इसके पीछे असल वजह क्या है, आज आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मजीद लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल बोली पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद बने घंटी बटन को प्रेस करें। दोस्तों, जिया बच्चन जो कि हर मामले में अपना रद्दी अमल पेश करती रहती हैं, लेकिन फिर इस दफ़ा क्यों नहीं उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है। इसकी वजह खबरों के मुताबिक कुछ यूं बताई जा रही है कि उनकी हेल्थ खराब है। उनकी हेल्थ की खराबी की वजह से उनकी कोई भी स्टेटमेंट आर्यन खान के मामले पर ना देखने को मिली। बताया जा रहा है कि जिया बच्चन कोरोना का भी शिकार रही और इसी वजह से डॉक्टर्स का कहना था कि वो कमजोरी का शिकार हो चुकी हैं और उनकी हेल्थ इस काबिल नहीं कि वो मीडिया के सामने आ सकें। दोस्तों, जिया बच्चन के बारे आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा और मजीद लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल बोली पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद बने घंटी बटन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर नई आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी।